हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है ऑटो फाइल्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्काज़ार के पेट्रोल मैनुअल। सबसे बेसिक वेरिएंट है अल्काज़ार के लाइनअप में। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई करूंगा कि क्यों ये वेरिएंट आपका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलता है एंड इसमें क्या डिफरेंसेस हैं टॉप मॉडल में और इसमें जो इसमें कम किए गए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जैसे कि मैंने कार सामने से देखी है, काफ़ी सारे इसमें फ़ीचर्स ऐसे दिए हैं जो बेस मॉडल में बिल्कुल नहीं दिए जाते। और मेरी तरफ से तो ये मानना है कि बेस मॉडल अगर हो तो ऐसा होना चाहिए हर एक कार का। इंडिया में जैसे दूसरी कार सब देखेंगे तो बेस मॉडल एकदम बेयर बोन्स रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है। मैं बेसिक कुछ चीज़ें जो नेसेसिटी की होती है कि पावर्ड मिरर एडजस्टमेंट, जो आउटसाइड रेयरव्यू मिरर्स होते हैं इसका पावर्ड एडजस्टमेंट होना चाहिए। आपको अंदर एक बेसिक म्यूज़िक सिस्टम मिलना चाहिए ब्लूटूथ के साथ। वॉइस कमांड्स ना भी हो तो भी चलेगा, कनेक्टिविटी ना भी हो, टच स्क्रीन भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जो बेसिक फीचर्स है वो होने चाहिए। ऑल फोर पावर विंडोज़ होने चाहिए, रियर में एसी वेंट्स होने चाहिए, ये सब मिलने चाहिए। तो आज हम इस बेस वेरिएंट की बात करते हैं। शुरू करते हैं एक्सटीरियर से, फिर इंटीरियर्स की बात करेंगे, क्या क्या आपको इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं सब क्लियर करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। स्पेशल थैंक्स टू शिवनाथ ह्युंडई तेलीबांधा रायपुर, इनकी ही वजह से दोस्तों ये वीडियो पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू शिवनाथ ह्युंडई। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेस्टीज मैनुअल पेट्रोल, सबसे बेसिक वेरिएंट। इसके अब अगर आप एक्सटीरियर स्टाइलिंग की बात करें तो ये देखिए, आप पहली लुक में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बेस वेरिएंट है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, क्रोम वाली ग्रिल आती है, ऑल एलईडी हेडलाइट आती है। बाजू में देखिए टॉप मॉडल खड़ा है एंड ये बेस मॉडल खड़ा है। कोई आम इंसान तो फ़र्क बता ही नहीं सकता, यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स भी एक नज़र में धोखा खा जाएंगे कि ये बेस मॉडल है। डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आपकी क्रोम स्टडेड ग्रिल आती है सिमिलर टू द टॉप मॉडल, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश, काफ़ी ज़्यादा स्लीक दिखती है। ग्रिल का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, ह्युंडई का लोगो। एक डिफरेंस जो इसके ऊपर के वेरिएंट्स आते हैं, यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा आता है, तो यहाँ पर आपको एक कैमरा आता है वो यहाँ पर मिसिंग है। 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता। बम्पर डिज़ाइन की बात करें तो ये सिल्वर मॉडल है, तो इसीलिए आपको डुअल टोन अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये सारे वेरिएंट्स में डुअल टोन आता है ब्लैक एंड सिल्वर स्किड प्लेट की फिनिश के साथ। जैसे हम रेफरेंस के लिए इसमें देखिए, वाइट कलर है तो काफ़ी एविडेंट है, इसमें दिख नहीं रहा है वो। हेडलाइट्स की अगर हम बात करें, ऑल एलईडी सेटअप आता है, यहाँ आप देख सकते हैं डीआरएल है इसके, ये ट्राइपॉड एलईडी हेडलैम्प्स सिमिलर टू द टॉप मॉडल, एकदम सेम यहाँ पर स्टड है। ये ग्रिल की लाइन ऑल द वे एक्सटेंड होती है सेकंड हेडलाइट तक। इवन फॉग लैम्प्स जो हैं ये भी आपके एलईडी यूनिट दिए गए हैं, सिर्फ जो इंडिकेटर्स है ये आपके हैलोजन बल्ब्स हैं। हेड प्रोफाइल की दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉय व्हील्स, बेस मॉडल में ही अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, सिर्फ इसमें डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क है एंड साइज़ का। ये आपके 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, जो ऊपर के मॉडल्स आते हैं उसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं एंड डिज़ाइन का थोड़ा सा फ़र्क है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इस साइड से देखते हैं, सो ये हैं आपके बेस मॉडल के अलॉय व्हील्स 17 इंचेस के। एंड टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो 215/50R17, थोड़ा सा डिज़ाइन में फ़र्क है पर डुअल टोन डायमंड कट अलॉयज हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ये हैं आपके टॉप मॉडल के अलॉय व्हील्स, ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, सिमिलर क्रेटा के जैसा इसका डिज़ाइन है। एंड ये भी है 215/55R18, तो जो टायर की वॉल है ये इसमें थोड़ी ज़्यादा है बेस में, टॉप मॉडल में थोड़ी सी कम है क्योंकि रिम का साइज़ ज़्यादा है। एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जो टायर की विड्थ है, जो यहाँ से यहाँ तक टायर की जो विड्थ रहती है, ये विड्थ सिमिलर रखी गई है सारे मॉडल्स में, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे लगी कि ह्युंडई ने इस चीज़ में कॉस्ट कटिंग नहीं की है। थम्स अप फॉर दैट, विड्थ काफ़ी अच्छी दी है सेम टॉप मॉडल के जैसे। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल में मैंने आपको बता दिया कि टायर्स में अलॉयज में क्या डिफरेंस है। अब अपन बात करें मिरर, बॉडी कलर्ड मिरर आता है इसमें, आपको एलईडी इंडिकेटर आ जाता है, ये भी टॉप मॉडल के जैसा एकदम सेम है। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे कि बेस मॉडल में आपको पडल लैंप्स नहीं आते हैं, यहाँ पर वो कैमरा नहीं आता जो 360 के लिए ज़रूरी रहता है, तो इसमें ये एक डिफरेंस है। बाकी ऊपर आप देख सकते हैं रूफ रेल्स आती है, डोर हैंडल्स में सेम डार्क क्रोम फिनिश आती है टॉप मॉडल के जैसे, एकदम सिमिलर। एंड जैसे आप टॉप मॉडल्स में मैनुअल लेते हैं तो आपको ऐसा सिमिलर ट्रीटमेंट मिलता है ब्लैक और ये स्किड प्लेट टाइप की सिल्वर फिनिश, तो ये भी एकदम बरकरार रखी गई है टॉप मॉडल के जैसे। ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं सिल्वर फिनिश में। एंड आपको एक चीज़ और मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ आती है इवन इन द बेस मॉडल, तो दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ आपको ए पिलर में पियानो ब्लैक फिनिश आती है टॉप मॉडल के जैसे, ये वाला जो डिज़ाइन एलिमेंट है ये भी पियानो ब्लैक है एकदम सेम टॉप मॉडल के जैसे। दिस इज़ मैट, ये भी टॉप मॉडल में ऐसे ही था। एंड बेस मॉडल में दोस्तों ये आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, बेस मॉडल में भी आपको रियर में डिस्क ब्रेक्स आते हैं, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आते हैं, ये कितनी अच्छी चीज़ है दोस्तों। सेफ्टी में ह्युंडई ने काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है, क्वार्टर पैनल आता है। एंड डिफरेंस बता दूँ,
ये जो आपका व्हील बेस है ये क्रेटा से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, थोड़ा यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जैसे कार है, क्रेटा आपकी लगभग यहाँ तक आती है, तो ये जो डोर है रियर डोर, ये आप देखिए कितना ज़्यादा लंबा है, तो ये रियर डोर को एक्सटेंड किया गया है, ये जो ओवरहैंग है इसको एक्सटेंड किया गया है, इसके वजह से अंदर थर्ड रो की सीटिंग बनी है। क्रेटा के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है हमारी अल्कांटारा। ये ऐसा कुछ इसका रियर प्रोफाइल है। रियर प्रोफाइल में भी देखेंगे रियर वाइपर, रियर डीफॉगर दिया गया है बेस मॉडल में। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है पियानो ब्लैक फिनिश वाला, ये भी दिया गया है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ पर बिल्कुल बरकरार है। शार्क फिन एंटीना, मैंने सनरूफ बता दिया आपको, रूफ रेल्स के बारे में बता दिए। यहाँ आपको 2.0 की बैजिंग आ जाती है पेट्रोल वेरिएंट में, डीजल वेरिएंट में ऐसा कोई बैज नहीं आता, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ह्यूंडई ने क्या किया कि सिर्फ पेट्रोल में बैज दे दिया 2 लीटर का। टेल लाइम्स ऑल LED सेटअप, एकदम सिमिलर है टॉप मॉडल के। सेंटर में बोल्ड अल्कांटारा की बैजिंग, काफ़ी बोल्ड बैजिंग है, ये डार्क क्रोम है, एंड ये जो अपना सिल्वर क्रोम जो नॉर्मल होता है वो उस हिसाब से बैज है, ह्यूंडई का लोगो आता है। अगर अपन अंडरनीथ की बात करें बम्पर की, बम्पर डुअल टोन दिया गया है दोस्तों, सिमिलर है टॉप मॉडल में, ऐसे ही आता है, सेम यहाँ रिफ्लेक्टर्स आते हैं, एंड ये ग्रिल जैसी आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी। सामने ग्रिल में जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वैसी यहाँ पर फॉलो की गई है। ये सिल्वर स्किट प्लेट जैसा फिनिश, एंड आपको रियर कैमरा आता है बेस मॉडल में, ये भी एक अच्छी चीज़ है। अंदर चल के दिखाऊंगा आपको, टच स्क्रीन आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। एंड अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें दोस्तों, सेम एग्जॉस्ट, ट्विन पॉड एग्जॉस्ट है, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेनलेस स्टील टाइप की फिनिश आती है बेस मॉडल में भी, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है ये कार। बेस मॉडल में कहीं से नहीं लगती कि ये बेस मॉडल है। चलिए इंटीरियर्स में चलते हैं, देखते हैं कि आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है इंटीरियर्स में। मुझे इस कार ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कार के अंदर, ये आप देख सकते हैं मैनुअल है, 6-speed मैनुअल आता है आपको पेट्रोल एंड डीजल के साथ, एंड ऑटोमेटिक्स भी आपको दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आ जाते हैं। तीनों वेरिएंट्स में आप ले सकते हैं, ऑटोमेटिक भी मैनुअल भी। अब इंटीरियर्स की हम जो बात कर रहे थे दोस्तों, कार को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या क्या आपको यहाँ पर मिल जाता है। पहले तो आप ये देख लीजिए ह्यूंडई की कीज़, लॉक अनलॉक, ये आपका कार कहाँ है वो लोकेट करने के लिए बटन, एंड ये होल्ड करने से आपकी बूट ओपन हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं डैश की दोस्तों, ये डैश आप नोटिस कर रहे होंगे कि एकदम सेम क्रेटा के जैसे टॉप मॉडल्स में आता है वैसा आपको डैश मिलता है। यहाँ आपको टैकोमीटर मिल जाता है एनालॉग, यहाँ आपको फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर मीटर, ये दोनों एनालॉग है, एंड सेंटर में आपको ये डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है। सो ये डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको आप टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको MID के लिए सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, इससे आप इसके डिस्प्ले को टॉगल कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं आपको कैसा आपको व्यू चाहिए, क्या आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्प्ले है, आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाती है। एंड ये पेट्रोल इंजन है दोस्तों, पहले पेट्रोल का आप अंदर से इंसुलेशन सुन लीजिए, फिलहाल काफ़ी साइलेंट है, अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों। मैं आपको रेव करके दिखाता हूँ, काफ़ी साइलेंट इंजन है दोस्तों, अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जैसा आपको टॉप मॉडल में आता है एकदम सेम वैसा ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है। इसकी मैं काफ़ी तारीफ़ करता हूँ, ये फिज़िकल वॉल्यूम बटन होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको वॉल्यूम अगर कम करना है तो सर्ट से कर सकते हैं, टच स्क्रीन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। एंड टच स्क्रीन की क्वालिटी की अगर हम बात करें दोस्तों, सेम क्वालिटी सेम है इसका, टच का जो सैम्पलिंग रेट है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये एकदम सेम है, कोई लैग नहीं है टच स्क्रीन में, काफ़ी फ्लूइड है। ये इंटीरियर्स की डैश की अगर हम बात करें, ये आपको मैंने बताया था कि सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है, पर ये लेदर टाइप की फिनिश इसमें दी गई है, स्टिचिंग है, फेक है स्टिचिंग। डुअल टोन आपको डैशबोर्ड आता है, डैशबोर्ड की लुक काफ़ी प्रीमियम लगती है, किसी हद से ये बेस मॉडल नहीं लगता। ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ग्लव बॉक्स की साइज़ दोस्तों डिसेंट है। डोर्स में अगर आप नोटिस करेंगे, डोर्स में आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश आ जाती है, डोर हैंडल्स पर ये सिल्वर एक एक्सेंट दिया गया है, एंड ये वाला जो मटेरियल है ये इसमें हार्ड हो गया, ये आपको ऊपर वाले मॉडल्स में यहाँ पर आपको एक फैब्रिक टाइप की फिनिश आती है, लेदर टाइप की, वो थोड़ा सा फ़र्क है। एंड इसमें बोस के स्पीकर सिस्टम हटा दिए गए दोस्तों, इसमें ऊपर वाले वेरियंट्स में आपको बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम आता है, इसमें हटा दिया गया है। नीचे आप पॉकेट्स की साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। सीट्स के फैब्रिक में दोस्तों चेंज है, ये फैब्रिक आप देख सकते हैं, ये फैब्रिक सीट्स हैं, आपको ऊपर मॉडल में लेदर सीट्स आती है, पर
कलर कॉम्बिनेशन सिमिलर रखा गया है, तो इसके कारण भी नोटिस नहीं होता कि ये बेस मॉडल है ब्राउन एंड ब्लैक। ब्राउन एंड ब्लैक इंटीरियर के साथ मैच किया गया। यहाँ पे एसी देख सकते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। नीचे आप देख सकते हैं दो यूएसबी सॉकेट्स, एक 12 वोल्ट का चार्जर। ये भी अच्छा है कि यहाँ पर दोनों यूएसबी सॉकेट्स रिटेन किए गए हैं, फास्ट चार्जिंग वाला। ये आपका एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए। यहाँ फ़ोन रखने के लिए एक रबर मैट दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इंटीरियर्स में एक यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आपको एक टेक्सचर्ड फिनिश आ जाता है ऊपर मॉडल्स में, इसमें नहीं दिया गया है, ये एक फ़र्क है। ऑटो डिमिंग रेयर व्यू इनसाइड रेयर व्यू मिरर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बेस मॉडल में दोस्तों आपको ये सब मिल रहा है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर आता है, ये LED आपके लाइट्स आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपकी सनरूफ ऑपरेट करने। सो दोस्तों पैसेंजर साइड में आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, एंड अगर सनवाइजर की बात करें तो स्लाइडिंग वाला फंक्शन बेस मॉडल में भी बिल्कुल रिटेन किया गया है, ये एक अच्छी बात है। ड्राइवर साइड में आपको एक रिसीट होल्डर मिल जाता है, एंड फ्रंट की अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप जो स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं, क्रेटा के जैसा सिमिलर स्टीयरिंग व्हील आता है सिल्वर फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं, एंड ये पीछे जो है आपका ये इंडिकेटर्स एंड वाइपर, यहाँ पर आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं, एंड ये आपके MID को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, बेस मॉडल में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, एंड ये हेडलाइट लेवल करने का बटन है। राइट साइड में दोस्तों ऑल फोर पावर विंडोज़ तो आपको आते ही हैं, चाइल्ड लॉक आता है आपको, मिरर एडजस्टमेंट आता है, पावर्ड मिरर एडजस्टमेंट, प्लस ये ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, पावर फोल्डिंग मिरर्स आपको मिल जाते हैं बेस मॉडल में, ये एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। चलिए पीछे चेकआउट करते हैं कि आपको कैसे फ़ीचर्स मिल जाते हैं, क्या कुछ मिल जाता है, कैसी स्पेस मिल जाती है। पहले ये बता दूं कि इसमें आपको मैन्युअली एडजस्टेड सीट आती है दोस्तों, ड्राइवर सीट। अपर मॉडल्स में आपको पावर एडजस्टमेंट सीट आती है, तो हाइट एडजस्ट मिल जाता है पर मैन्युअली एडजस्टेबल है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको लेदरेट टाइप का मटेरियल है गियर नॉब के नीचे, एंड आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक आती है दोस्तों। इसमें आपको पावर्ड पार्किंग ब्रेक नहीं आती जो अपर मॉडल्स में आ जाती है, यहाँ पर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक आती है। दो कप होल्डर्स आ जाते हैं, ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में लेदरेट मटेरियल है, सॉफ्ट टच। आर्मरेस्ट की साइज़ दोस्तों काफ़ी डिसेंट है, चौड़ा है, मैंने कार्स में देखा है कि काफ़ी नैरो एंड डीप होता है, यूजेबल नहीं होता, पर इसमें काफ़ी अच्छा है, इसमें आप आराम से कुछ भी रख सकते हैं। अंदर कोई सॉकेट नहीं दिया है दोस्तों पावर आउटलेट। यहाँ पर आपको एयर प्यूरीफायर नहीं आता है जो टॉप मॉडल्स में आ जाता है। चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। ड्राइवर की सीट मैं पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, ताकि आपको स्पेस के लिए अच्छे से रेफरेंस दे पाऊँ। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं सेकेंड रो ऑफ सीट्स में, ये पेट्रोल का 6 सीटर वेरिएंट है आपका। सो यहाँ आपको दो इंडिविजुअल कैप्टन सीट्स मिल जाती है, एक सेंट्रल कंसोल मिल जाता है आपको विथ आर्मरेस्ट, एंड ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है दोस्तों, इससे पहले हमने कोई भी कार में ऐसा नहीं देखा। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, एंड सेकेंडली यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है फॉर द सेकेंड रो, इवन इन द बेस मॉडल। वायरलेस चार्जिंग आगे नहीं आती, पीछे ज़रूर आती है। दो कप होल्डर्स मिल जाती है सिल्वर फिनिश के साथ, AC वेंट्स पर भी सिल्वर फिनिश है दोस्तों। नीचे आपको एक USB पावर आउटलेट मिल जाता है, विथ फ़ोन रखने के लिए आपका एक होल्डर आ जाता है। एंड साइड्स में आप देखेंगे कि डोर्स सेम है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई एम्बियंट लाइटिंग नहीं आती बेस मॉडल में, एंड यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक आता है, सॉफ्ट टच नहीं आता है। सेकेंडली जो आपके सेकेंड रो ऑफ पैसेंजर्स हैं, यहाँ पर आपको मैनुअल सनशेड मिल जाता है उनके लिए, ये एक काफ़ी कन्वीनियंट फीचर है। ऊपर आपको LED लाइट्स मिल जाती है, एंड लाइट्स आपको ऑल 3 रोज में अलग इंडिविजुअल मिल जाती है। पीछे भी देखिए आप लाइट दी गई है, सो ये एक अच्छी बात है, ऑल LED सेटअप है। स्पेस की अगर हम बात करें तो मैंने ये सीट को पूरा पीछे कर दिया है, एंड आप स्पेस यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा नी रूम मिल जा रहा है, लेग रूम भी बहुत अच्छा है, पैर आप अपने सामने वाली सीट के नीचे स्लॉट कर सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस इंटीरियर है दोस्तों।
दो आपको ये जो सीट्स हैं इसमें रिक्लाइन मिल जाता है, ये रेफरेंस के लिए देख लीजिए कितना रिक्लाइन है, सामने वाली सीधी है, ये वाली रिक्लाइन है। दोस्तों एक सीट को मैं पीछे कर लेता हूँ, एक सीट को फुल आगे कर लेता हूँ, पीछे के चेक करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये सामने आपको मल्टीमीडिया ट्रे मिलती है, इसमें साइड में कप होल्डर भी मिल जाता है, इसमें आप अपनी सेलफोन भी स्लॉट कर सकते हैं, उसके लिए भी स्पेस दी गई। ये एक छोटा सा लगेज नेट दिया गया है, आप यहाँ पर पेन या कुछ भी रख सकते हैं सामान। चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं आपको क्या फ़ीचर मिल जाते हैं एंड कैसी स्पेस मिल जाती है। पहले तो दोस्तों अंदर जाने वाले के लिए, पैसेंजर के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्योंकि जिस तरह से इस गेट का कटआउट है काफ़ी इजी हो जाता है। वन टच टंबल के साथ ये सीट्स आती है, बस आपको एक लीवर को पुल करना है, फुली टंबल हो जाती है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब रेल मिल जाता है अंदर बैठने के लिए, चढ़ने के लिए। सीट्स को पहले नॉर्मल पोजिशन पर कर लेते हैं, स्पेस की बात करते हैं। सो दोस्तों थर्ड रो की अगर बात करें, ये सीट पूरी पीछे की तरफ है एंड ये वाली जो सीट है ये वाली एकदम आगे की तरफ पुश की गई है, आगे की तरफ सेट की गई है। यहाँ पर आप नी रूम देख सकते हैं दोस्तों, आपके रेफरेंस के लिए मेरी हाइट 5'7" है। सामने वाली सीट के नीचे पैर हम स्लॉट कर सकते हैं। थाई सपोर्ट डिसेंट है दोस्तों, इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था पर ये भी इनफ है, अपने कॉम्पिटिशन में काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ चार्जिंग सॉकेट एक साइड ही मिलता है, दूसरे साइड नहीं मिलता। रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ये आपका ग्रैब हुक है अंदर आने के लिए। ये जो चार्जिंग सॉकेट है दोस्तों ये दूसरे साइड आपको मिलता है, तो एक नेसेसिटी के हिसाब से काफ़ी मोर देन इनफ है, पीछे मैनेज कर सकते हैं। ये ग्रैब हैंडल है अंदर चढ़ने का। यहाँ आपको रियर एसी के लिए कंट्रोल मिल जाता है नॉब, आप फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं जिससे। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको 3-point रिट्रैक्टेबल सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको बेस मॉडल पे ये है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दो, एंड ये जो सीट्स है दोस्तों इसको आप रिक्लाइन कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि रिक्लाइन करने के लिए पीछे आपकी स्ट्रिप है उसको आपको पुल करना पड़ेगा। रिक्लाइन का एंगल आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी कम एंगल है दोस्तों, ये वाली सीट सीधी है एंड ये वाली जो सीट है दूसरी जिसमें मैं बैठा हूँ वो रिक्लाइंड है। एंगल काफ़ी कम है पर रिक्लाइन होती है एंड पीछे से आप स्ट्रैप पुल करके इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। दोस्तों सामने वाली सीट को अगर हम रिक्लाइन कर लेते हैं तो आपके लिए स्पेस काफ़ी कम हो जाती है, ये काफ़ी आपको टाइट हो जाता है। जैसे मैं 5'7" हूँ, मेरा यहाँ नीज पूरी टच हो रही है, थाई सपोर्ट भी कम हो जाता है क्योंकि सीट पीछे हुई है। तो दोस्तों ये है अल्काज़ार प्रेस्टीज का 2 लीटर पेट्रोल इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। 159 PS की पावर जनरेट करता है एंड 191 Nm का टॉर्क ये जनरेट करता है। एंड इसके साथ आपको एक 6-speed मैनुअल मिल जाता है बेस वेरियंट में एंड ऑप्शनल में आपको एक 6-speed टॉर्क कन्वर्टर मिल जाता है। दोस्तों ये था अल्काज़ार का प्रेस्टीज पेट्रोल मैनुअल, सबसे बेस वेरिएंट है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 16.3 lakhs एक्स शोरूम इसकी प्राइस है एंड लगभग ऑन रोड ये आपको 18.5 lakh का पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी से कौन से शहर से हैं, डिफरेंट आपके RTO चार्जेस होते हैं। एज अ वेरिएंट दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज लगा, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लगा, फीचर लोडेड है मोर देन इनफ आपके फीचर्स हैं। ऑल LED लाइटिंग आती है, सनरूफ आ जाता है इसमें आपको, पावर फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल मिरर्स आ जाते हैं, रियर आपको सनशेड आ जाता है, रियर वाइपर डीफॉगर, रियर व्यू कैमरा आपको आ जाता है। सो एज अ प्रोडक्ट काफ़ी प्रैक्टिकल ये पैकेज बन जाता है, कॉम्पिटिशन से अच्छी स्पेस भी आपको ऑफर करता है। एंड अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स देख रहे हैं अपने लिए, आपके बजट में वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बेस वेरिएंट पहले चेकआउट करें, क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करता है, मोर देन इनफ है तो बेस वेरिएंट पे जाना मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता, क्योंकि 2-2.5 lakh rupees एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। मेरा तो ये भी मानना है दोस्तों कि जैसे Hyundai ने पहले क्रेटा के साथ किया, पहले क्रेटा का जो पेट्रोल बेस वेरिएंट रहता था वो EX रहता था, E नहीं आता था, E सिर्फ डीजल में आता था, बाद में Hyundai ने पेट्रोल का भी E वेरिएंट ऑफर किया। इसी हिसाब से फ्यूचर में Hyundai को मेरे हिसाब से अल्काज़ार में भी एक इससे भी और थोड़ा सा मोर अफोर्डेबल वेरिएंट लॉन्च करना चाहिए, जिसमें वो अलॉय व्हील्स ना आए,
अंदर आपको टच स्क्रीन के बदले एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपका बेसिक आपका म्यूजिक सिस्टम आ जाए, पावर फोल्डिंग मिरर्स ना आए पर पावर एडजस्टेबल मिरर्स आए, रियर में एसी वेंट्स आ जाए, सॉकेट चाहे कम करें पावर वाले तो वो भी कम कर सकते हैं, अंदर सीट्स जो है इसको पूरी ब्लैक कर दीजिए, डुअल टोन हटा दीजिए। इस टाइप का वेरिएंट अगर अल्कांतारा का आता है तो ये और वाइडर ऑडियंस को केटर करेगा। एंड उस वेरिएंट का प्राइस अगर मैं इसको ह्यूंडई अगर 15 के आसपास 15-15.5 तक रखता है तो काफ़ी एक अच्छा पैकेज हो जाएगा, इससे भी नीचे आपको एक वेरिएंट आ जाएगा। सो ये एक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऑटोफाइल्स को अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो। मेरा नाम है मोहित बलानी एंड साइनिंग ऑफ।